अगर आप क्लास 12th में हो और आप क्लास 11th का कोई पुराना पेपर अभी लगाते हो तो 99% चांसेस आर यू आर गोइंग टू डू द सेम मिस्टेक्स अगेन। इसका मतलब कि अगर आप क्लास 11th में हो तो अगर आप अपने पेपर का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो अभी जो भी आप पेपर्स लगा रहे हो यू आर एक्चुअली नॉट यूटिलाइजिंग योर टाइम इन स्टडीज बट एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड वी कैन गिव इट अ टर्म डिस्गाइज टाइम वेस्ट। मतलब कि आपको लग तो ऐसा रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो बट आप एक्चुअली में टाइम वेस्ट कर रहे हो बिकॉज हम पेपर लगाते ही इसलिए जिससे कि हमें अपनी कमियां पता चल पाए और अगर हम उन कमियों को ही याद नहीं रख पाएंगे तो एट लास्ट में आगे वो पेपर लगाना ही किसी काम का नहीं था। ना जब आप 12th में आओगे एंडिंग में आओगे आपसे बहुत सारे पेपर्स लगवाए जाएंगे तो आप एक चीज रियलाइज करोगे कि अगर आप पुराने पेपर अपने 11th के लिए लगाते हो तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स फिर से दोहरा रहे हो। एंड यहीं पर मैंने बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से एक ट्रिक खेली। मैंने 12th में ये चीज समझ ली थी और 12th में मैं अपने जितने भी पेपर्स होते थे उन्हें प्रॉपर एनालाइज करता था, कॉपी में लिखता था क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी और वो मिस्टेक बुक में कभी भी फ्री हूं मन नहीं हो रहा पढ़ने का ऐसे ही रहा है कि चलो हाँ चलो देखते हैं क्या मिस्टेक्स करते हैं हमें तो वो पढ़ता था जिससे कि मैंने अपनी मिस्टेक्स याद कर ली। नाउ क्लास 12th के एंड में इंस्टेड ऑफ वो 11th के पेपर को लगाने की बजाय मैं अपनी वो मिस्टेक बुक ही पढ़ लेता था जिसको मेरे को पढ़ने में अराउंड 5 मिनट लगते थे, वो 3 घंटे का पेपर लगाऊं और फिर पता करूं कि मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं। इंस्टेड मैं वो 5 मिनट पढ़ता था और मुझे पता चल जाता हाँ ये पेपर लगाने के बाद मैं यही मिस्टेक्स करने वाला था, तो नाउ वो 3 घंटे को मैंने 5 मिनट में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से टाइम सेव करके आई क्लियर फॉर नीट एंड जी। नाउ मेरे टाइम पे तो ऑफलाइन टेस्ट पेपर हुआ करते थे बट नाउ डेज आई कैन सी काफी सारे बच्चे ऑनलाइन शिफ्ट कर गए। सो इन ऑनलाइन यू कैन यूज प्रेपरेटर ऐप, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसको आप प्रॉपर एनालिसिस के साथ देख सकते हो जो कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी इनकरेक्ट करोगे वो एक पर्टिकुलर सेक्शन में निकल के आ जाएंगे। कभी भी आपको रिवाइज करना है आप फिर से कर सकते हो, इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। तो ये मिस्टेक बुक का फंड आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, आप पेपर्स लगा रहे हो या आप बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उसको एक पर्टिकुलर कॉपी में लिखो कि ये मैंने इसलिए गलत किया, मुझे ये नहीं समझ में आया या मेरा दिमाग इस तरीके से गलत काम कर गया, मैंने क्वेश्चन मैं ये ढंग से रीड नहीं किया, तो यही मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जैसे ये हमको एक पर्टिकुलर बुक है तो सबसे पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो उससे रेड पेन से जो है उसको मार्क कर देना है, उस पर गोला मार दो जिससे कि तुम्हें बाद में कभी किताब खोलो तो तुम्हें वो दिखे या पेपर देखो तो तुम्हें दिखे कि हाँ ये मैंने गलत किया था। नाउ जैसे ये क्वेश्चन है, नाउ वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो कि इसका आंसर क्या आएगा। नाउ होप तुमने खुद सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द बच्चे निकाल देंगे 6 जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, एंड एक्चुअली तो इसका आंसर 4 है क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है ओनली 2 एटम्स। तो ये इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था जो कि बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो अब जैसे मान लो आपने क्वेश्चन गलत किया तो अब आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स बुक बनानी है, उसमें सबसे पहले आप हेडिंग दे सकते हो या जो भी आपका पेपर का नाम है उसकी हेडिंग दे सकते हो, या जैसे मैंने एक जर्नल दे दी केमिस्ट्री टेस्ट तो मैंने क्वेश्चन नंबर डाला क्वेश्चन 20, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 था तो क्वेश्चन 20। तो नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें जितना शॉर्ट हो सके उतने में अपनी जो भी मिस्टेक्स और जो हमने सीखा वो हमें बताना है खुद को। तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, मैंने सीखा कि देखो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 4 इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इक्वल टू 6 आ जाएगा, लेकिन जब ये बट ओनली 2 एटम्स आर प्रेजेंट तो ये 4 के बराबर होगा। ठीक है, इसका रीजन है वो तो मैं खुद सोचना उसके बारे में, बट ये चीज मैंने इस क्वेश्चन से सीख ली। अब क्या होगा कि मान लो एक साल बाद मैं यही पेज पे कभी आऊं अपनी कॉपी खोलूं तो मुझे ये दिखेगा, अच्छा हाँ मुझे याद आएगा हाँ कि ना मैंने ये गलती करी थी, और ये मतलब कॉपी ना बहुत अच्छी भी लगती है, मतलब तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको रीड करने में क्योंकि तुम्हें अपनी गलतियां याद आएंगी, एक साल पहले तुम क्या गलती करते थे, तुम्हें हंसी भी हो सकता है ना, तो ये काफी एंटरटेनिंग कॉपी भी हो जाती है। इस टाइप की एनालिसिस अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में करना चाहते हो तो आप प्रेपरेटर का ऐप यूज करके भी कर सकते हो। तो प्रेपरेटर के ऐप में क्वेश्चन बैंक है जिसमें कि आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो कोई भी क्वेश्चन बैंक आप कंप्लीट करते हो कोई भी मॉड्यूल तो वहां पे आपको दिखा देगा कि आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने थे, आपके बुकमार्क क्वेश्चन कितने थे। जब भी आप चाहो इनकरेक्ट क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपने मान लो कि 3-4 महीने पहले जो भी क्वेश्चन लगाए आपको पता हो उसमें लिखा आएगा कि आपके कौन से इनकरेक्ट किए थे, आपने फिर से आप लगा लो तो आपका रिकॉल हो जाएगा कि आपने क्या क्या गलतियां करी थी। साथ ही साथ में आप बुकमार्क भी कर सकते हो तो आपका ये भी हो जाएगा कि आपको मान लो कोई क्वेश्चन है आपको बार बार रिपीटेडली आप उसको देखना चाहते हो तो आप बुकमार्क करोगे तो बुकमार्क क्वेश्चन बहुत इजीली आप एक्सेस कर पाओगे और उसको आप बार बार देख सकते हो, दिन में 2-3 बार देखने में आपको एकदम याद हो जाएगा। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं ऐप के जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, हालांकि अब ये पेड हैं बट नाउ ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, अप टू 25,500 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है, प्लस आपको इसमें 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। साथ ही साथ में आप उसमें मेरा कोड यूज करके पार्थ गोयल 500 रुपीज़ और उसमें ऑफ करा सकते हो। साथ ही साथ इस ऐप में जो वीडियोज और क्यू बैंक है वो नवंबर मंथ में कुछ टाइम के लिए कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के लिए फ्री रखे जाएंगे, जैसे कि
13 टू 15 इनऑर्गेनिक के लिए फ्री हैं, 18 टू 20 ऑर्गेनिक के लिए फ्री हैं। तो जब भी फ्री हो तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो और आप उसमें चेक कर सकते हो कि आपके लिए अच्छा है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बाय कर सकते हो। तो इस ऐप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद मैंने मान लो एक और क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होता है, मतलब इस टाइप से था कि एक सैंपल है, उसमें एक एच एटम है, एम शेल में इलेक्ट्रॉन है, डी एक्साइटेशन हो रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी। तो वीडियो पॉज करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। ना इसका आंसर मोस्टली बच्चे 3 निकाल देंगे जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो एक्चुअली में इसका आंसर 2 है और रीजन वही है कि यहाँ पे एक एच एटम है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 44, ओनली वन एच एटम अगर है तो इलेक्ट्रॉन एम शेल में है तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस गिवन विल बी 2 नॉट 3। इसको मैंने अलग से जो है मतलब बड़ा बड़ा लिख दिया और रेड पेन से भी लिख दिया, जिससे कि मुझे कभी भी मैं रीड करूं तो मुझे दिखे अच्छा, मुझे इस पर वो आया कि हाँ ऐसा अगर एक एच एटम है तो फिर ये डिफर कर जाएगा। थोड़ा मुझे ध्यान से सोचने की जरूरत है क्वेश्चन में। अब जैसे मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन था कि इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार पढ़ो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। तो इसमें अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या है कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट दी है। अब नॉर्मली बच्चे फिफ्थ स्टेट मान के उसको सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब सिक्स्थ एनर्जी लेवल। तो सिक्स्थ एनर्जी लेवल ये चीज, अब ये अगर आप गलत कर दोगे तो ऑब्वियसली आपने ये चीज गलत करी होगी। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे केवल इतना लिखा कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू सिक्स्थ एनर्जी लेवल। तो वही बात है कि मैं फिर से जब रीड करूंगा 5-6 महीने बाद या कभी भी, तो मुझे याद आएगा हाँ हाँ कि ऐसे अगर क्वेश्चन में एक्साइटेड स्टेट दिया तो मुझे ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को और उसका मतलब सिक्स्थ एनर्जी लेवल उस हिसाब से सॉल्व करना है। सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें हमें जैसे बीई का कुछ लोगों को, मुझे इवन याद नहीं था कि एटॉमिक मास कितना होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एस्टीमेट करते हैं, तो ऐसे आप एस्टीमेट करोगे कि 4 प्रोटॉन है तो 4 प्रोटॉन होते हैं तो 8 हो सकता है, 8 या 9 के आसपास। तो इसको आप ऑप्शन देकर ही कर सकते थे, लेकिन मैंने अपनी जो मिस्टेक बुक है उसमें मैंने साफ साफ लिखा कि भैया देखो बीई का मास 9 होता है नॉट 8, और ये फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। अब जैसे मान लो फिजिक्स का भी है, तो फिजिक्स में भी कई सारे क्वेश्चन थे, जैसे फिजिक्स में ये क्वेश्चन था, तो इसको तुम ध्यान से पढ़ना, अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें हो सकता है मुश्किल लगे। तो इसका अब तुम्हें, जैसे मान लो कि अगर मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाया तो मैंने इस पे गोला मारा और मैंने लिखा इसका एक्सप्लेनेशन कि देखो टी इज इक्वल टू इतना होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है तो टी इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, फाइंड रिलेशन बिटवीन रिटार्डेशन पार्टिकल वेलोसिटी, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसकी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर देना है जिसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन था, तो इसमें कई बच्चे गलत करते हैं कि भाई T1 इज टू T2 टू T3 में ये जल्दी जल्दी में ये मार देते हैं फर्स्ट वाला। तो उसमें मैंने लिखा कि भैया ये इसमें ऐसा है ऐसा नहीं है, और इसका रीज़न मुझे बैक ऑफ द माइंड पता है तो मैंने रीज़न नहीं लिखा, आप चाहो तो रीज़न लिख सकते हो। सिमिलरली जैसे बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी में तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, तो बायोलॉजी में कोशिश करना कि एनसीईआरटी की जितनी भी गलतियां हैं वो तो तुम्हें लिखना ही लिखना है अपनी मिस्टेक बुक में, बाकी तुम और जो बुक्स हैं उनकी तुम लिख सकते हो चाहो तो मन करे तो, लेकिन एनसीईआरटी की गलतियां तो तुम्हें 100% याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मेरे को ये हो गया कि जैसे मान लो तुम्हें बोरॉन किस कैसे अब्जॉर्ब होता है तुम्हें याद नहीं, तो तुमने लिख दिया कि बोरॉन इज अब्जॉर्ब्ड एज ये इस फॉर्म में होता है। कि अब जैसे आयरन को इसमें कन्फ्यूजन होता है, कैटलिस्ट जो होता है वो आयरन से एक्टिवेट होता है और लोगों को लगता है कि जिंक से होता है, कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये तरीका है, आप अपनी मिस्टेक बुक बना सकते हो। अब जैसे मैं आपको अपनी रियल मिस्टेक बुक बताता हूँ जो मैंने अपनी नीट के दौरान बनाई थी। तो जैसे मेरा एक टेस्ट होता था RETS हमारे कोचिंग पे, तो ये मैंने जैसे ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया था कि भाई X है और ये वाले रीजेंट्स हैं तो ये बन रहा है तो X क्या होगा, तो मैंने ये लिख दिया आपने कॉपी में कि ये देखो X ये हो सकता है। सिमिलरली IUPAC नेवी में मुझे दिक्कत आ रही थी तो मैंने ये लिखा यहाँ पे। सिमिलरली जैसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कई बार लाइक मुझे इवन मैं आपको बताऊँ जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो आज तक आज भी मुझे मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि ये है मतलब कि जो क्वेश्चन है उसमें दिया होगा पूछा होगा मैंने गलत किया होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फ्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, एंड ये आई थिंक बहुत कम लोगों को ही पता होगा और इसका रीज़न तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो मैंने इसमें रीज़न सहित लिखा हुआ है। तो दिस इज द थिंग, जैसे ये है कि क्लोरोपिक्रिन किसको कहते हैं, तो ये भी मुझे याद नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से आपको ना अपनी मिस्टेक बुक बनानी है, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आप जब देखोगे उसको 5-6 महीने बाद 1 साल बाद, तो लाइक तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई साहब इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये मैं गलत करता हूँ, मुझे अच्छा है मुझे मैंने लिख लिया जिससे कि मुझे याद रहे कि मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं। एंड दिस इज द थिंग, जैसे आप सब्जेक्ट को याद करते हो आपको अपनी गलतियाँ भी याद होनी चाहिए कि आप गलतियाँ क्या क्या करते हो।